मुझे याद आ रहे हैं हमारे एक बहुत पूज्य स्वामी जी, उनकी आयु 154 ईयर्स। मैं उन्हें तब मिली थी जब वो 148 के थे। तो वो एक बार बता रहे थे कि उनको किसी, अब देखिए 154 तो कौन से काल की बात हम कर रहे हैं, तो किसी राजा ने उनको मोती भेंट किए थे, ऐसे कह रहे थे मुट्ठियां भर भर के उन्होंने भेंट किया। तो अब देखो, अब स्वामी जी को गले में माला डाल के तो पहनना नहीं था, उसको क्या किया उन्होंने, जो मोती होता है उसको पीस के मोती पिष्टी बनती है, और वो जो मोती पिष्टी है सबसे ज्यादा शरीर को कैल्शियम की जो प्रचुर मात्रा में प्राप्ति जो है वो मोती पिष्टी से होती है। तो उन्होंने एक वो पत्थर का होता है, दौरी जिसे बोलते हैं, दौरी और डंडे में मोती डाले और पीसने लगे, और पीसते पीसते वो कहते हैं मेरी ना बाँह थोड़ी थक रही थी, और ये पीसते पीसते 7 घंटे हो चुके थे। कितने? लगातार 7 घंटे से वो मोती पीस रहे हैं और बाँह थक गई। तो कहते हैं ठीक से पीस, नहीं तो काट के फेंक दूंगा तेरे को, बांह को कह रहे अपने कि मेरी बांह मेरा ऑर्डर सुने। वो उस हो रही दर्द को वो कैसे नकार देते हैं, काट के फेंक दूंगा ठीक से पीस। योगी ज्ञानी देह से अपने आप को भिन्न जानते हैं, देह से अपने आप को अलग जानते हैं, देह उनके नियंत्रण में है, देह को वो चलाते हैं, देह से चलते नहीं, फर्क है। इंद्रियां योगी की दास हैं, मन योगी का दास है, मन को जैसे चाहेंगे चलाएंगे, जैसे इंद्रियों को चाहेंगे चलाएंगे, जैसे शरीर को चाहेंगे चलाएंगे। और इसके बाद अगले 8 घंटे वो पीसते रहे। 16 घंटे में उन्होंने ये सारे मोती पीस के पाउडर बना के रख लिए, और वो कहते थे रोज सुबह एक अंगुली भर में ले लिया करता था। अब थोड़ी तो परिश्रम, थोड़ी तपस्या, थोड़ा संकल्प का बल भी तो कुछ होता है या नहीं होता? जरे जरे सी बात पे डर गए, जरे जरे सी बात पे घबरा गए, ये योगी की पहचान नहीं होती है। आप जिस उम्र में हो ना, आपकी उम्र आपको 2 दिशाओं में लेके जा सकती है। एक दिशा है भोगी होने की, एक दिशा है योगी होने की। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एट दिस एज यू हैव 2 choices, 2 paths, 2 ways टू चूज। वन इज which will make you an indulgent worldly person, one is which will make you a yogi who has mastered body, mind and senses. A bhogi means who? A person who indulges in lot of food, lot of traveling, lot of usage of his all limbs, lot of sexual energies, lot of talking, lot of hearing, and using all the energy into this sense gratification. Whatever mind is wishing, is supplying that. What happens when you live like this? You are wasting your very, very important resource of your inner powers, the urja. We were supposed to create more urja, but here we are just wasting our urja. And the yogi doesn't overindulge, uses senses properly, uses mind properly, doesn't use the body only for sense gratification. On the contrary, creates more energy, creates more urja. And when you have optimum level of urja, then your senses are sharper, your mind is integrated, your intellect is resplendent,
with higher knowledge. Your body is an epitome of health, in power, in virility. And then nothing is impossible. एक है वो खा खा के अपनी आंत तो कोई सुखा देता है. एक वो है जो भोगी है, एक वो है जो योगी है. योगी कौन है? जो अपनी इंद्रियों को, मन को संयमित रखता है. और शक्ति का व्यय नहीं, शक्ति का खर्चा नहीं, शक्ति अर्जित करता है. और इस अर्जित की हुई शक्ति को वो जहां चाहे इस्तेमाल कर सकता है.